वाकया यह है कि बदर में कुरैश के 70 सरदार मारे गए थे, बड़े बड़े लोग, तो सिर्फ एक अबू सुफियान बचा है, और वो इसलिए बचा कि वो काफला लेकर गया हुआ था, वरना सरदारा ने कुरैश में से कोई बचा ही नहीं, सबके सब मारे गए। और ये समझ लीजिए कि असल में ये अल्लाह ताला की उस सुन्नत की पहली किस्त थी। सुन्नत इलाही क्या है? रसूलों के बाप में जब भी अल्लाह ताला किसी कौम की तरफ रसूल को भेजता था और वो कौम बहसियत मजमूई रसूल को रद्द कर देती थी, फिर उसको हलाक कर दिया जाता था। ये अल्लाह का कानून अजाब है रसूल के बारे में, नबियों के बारे में नहीं। नबी को माने न माने, नबी की हैसियत यूं समझिए कि जैसे औलिया अल्लाह होते हैं, किसी आबादी में को अल्लाह का वली है, नेक आदमी है, उसकी करामात भी है, इसी तरह नबी के मौजजात भी हो सकते हैं। लेकिन नबी को पॉइंटेडली कहीं अपॉइंट नहीं किया जाता, जाओ उस कौम की तरफ खबरदार करो, नहीं। बस वो जैसे औलिया अल्लाह है कि उनसे भी खैर फैल रहा है, ऐसे ही वो है, लेकिन उन पर वही आती है। फर्क क्या होगा कि जो आम औलिया अल्लाह है उन पर वही नहीं आती, वो अल्लाह का वली जिस पर वही भी आ रही वो नबी है। रसूल वो होता है कि जिसको पॉइंटेडली अपॉइंटमेंट देकर भेजा जाए, जाओ इज़ा बिला फिरौन इन्नहु तगा, जाओ इला आदिन अखाहुम हूदा, कौम आद की तरह भेजा हमने उसके भाई हूद को, वैला समूदा अखाहुम सालेहा, कौम समूद की तरफ भेजा हमने उनके भाई सालेह को, वैला मदियन अखाहुम शुएबा, और कौम मदियन की तरफ हमने भेजा उनके भाई शुएब को, वगैरह वगैरह। तो जो रसूल पॉइंटेडली भेज दिया जाए किसी कौम की तरफ या इलाके की तरफ, और फिर वहां के लोगों की असीम अक्सरियत जो है उन्हें रद्द कर दे, वो हलाक कर दी जाती। कौम नूह अलैहिस्सलाम हलाक की गई, कौम हूद अलैहिस्सलाम हलाक की गई, कौम समूद हलाक की गई, कौम सालेह अलैहिस्सलाम, मदियन यानी कौम शुएब हलाक किए गए, सदूम और आमूरा की बस्तियां तबाह की गई जहां हजरत लूत भेजे गए थे, आले फिरौन गर्क किए गए जहां हजरत मूसा भेजे गए थे। यही अजाब कुरैश पर अब शुरू हुआ है, उसकी पहली किस्त जो है वो बदर में आई। बिल अकसात अल्लाह ताला ने ये कर्ज अदा किया है। और खास बात ये थी, नोट कर लीजिए तारीखी एतबार से, कि वो अजाब बराह रास्त कुरैश पर नहीं आ सकता था, क्योंकि कुरैश कहां रहते थे? मक्के में। मक्के में तो बैतुल्लाह है, वहां अगर आसमान से पथराव हो तो बैतुल्लाह को भी तो नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए दर हकीकत ये जो सारा हुजूर ने, जिसको मैंने कहा था एक्टिव रेजिस्टेंस जब शुरू की है हुजूर ने, तो उसके लिए एक मिसाल मैंने एक मरतबा इस्तेमाल की थी कि जैसे सांप को बिल में से निकाला जाता है, सांप को बिल से निकालने के लिए कितने जो है वो कर्तव्य करने पड़ते हैं सपेरे को, और वो बीन बजाता है और कुछ करता है, किसी तरह ये बाहर निकले तो मारे इसको। इसी तरीके से मक्का जो है उनके लिए अमान की जगह थी, ये बलदुल अमीन है, ये अमन की जगह है, यहां जंग नहीं हो सकती, यहां खुरेजी नहीं हो सकती जब तक के मक्के वालों को वहां से निकाला ना जाए। तो ये सारा अमल के जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो के शुरू किया है, एक साल तक मुसलसल जो 8 छोटी छोटी मुहिमात जिनमें से 4 में आप खुद भी शरीक रहे, लिहाजा वो गज़वात कहलाते हैं, ये सब इसीलिए था कि कुरैश मक्के से बाहर आए, बाहर बदर में आए, और अब उनके 70 अफराद जो है वहां पर खत्म कर दिए गए। ये अजाब इलाही की पहली किस्त थी कि जो कुरैश को मिली है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रद्द कर देने की पादाश में।